सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। सो होप करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के बज रहे थे 12 और मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। रेडी जाना तो फिलहाल कहीं भी नहीं है, अभी बस नॉर्मली नहाया धोया और फटाफट मैं कपड़े डालने आई थी छत पर, मैं फटाफट कपड़े डाल लूँ, कपड़े वपड़े सुखा के फिर मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि लंच वगैरह बना, लंच बना रही मम्मी आज। मम्मी बनाया बिरयानी, चिकन बिरयानी, तो वो बन जाएगा। लंच वगैरह करके देखते शाम का क्या प्रोग्राम है, शाम को कहीं आना जाना होता है तो जाएंगे, वरना फिर घर पे ही रहेंगे। और तो कुछ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं सितंबर हाफ निकल गया फिर भी इतनी गर्मी होने जा रही है, धूप तो खत्म ही नहीं हो रही। और यहाँ पे देखो हमारे प्लांट्स, ये देखो गर्मी में बेचारे, इनका भी बेहाल है, बुरा हाल हो रखा है इनका भी। तो बस कुछ नहीं, आप लोग बताना आप लोगों का क्या चल रहा है। मेरा तो वही सुबह ऑफिस, शाम को उठो, फिर अगर कहीं जाना हुआ तो ठीक है, वरना फिर घर पे बैठे रहो, बस यही चल रहा है यार। और कैसे कह सकते, इतनी गर्मी में कहाँ जाए, कहाँ इतनी गर्मी में कुछ करें। बाकी देखते हैं, अभी तो फरीदाबाद का मेन प्लान तो फरीदाबाद का ही, वहीं पे 2-3 महीने तो वहीं निकलने वाले हैं, या तो आना जाना या स्टे करना, तो वो तो जैसे भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। ये देखो इधर संडे को भी काम चल रहा है, संडे को भी काम चल रहा है ना, क्या काम चल रहा है बता तो दो। काम चल रहा बता तो दो। चप्पल देखो शक्ल, चप्पल देखो शक्ल, तस्वीर ऐसे ऐसे खड़ी सी शक्ल बना। काम चल रहा है, अभी एक डिजाइन आया है, सेटअप डिजाइन। अच्छा, वही कर रहे हैं। ठीक है चलो करो, संडे को भी छुट्टी नहीं, जो घूमने का प्लान करे तो वो भी नहीं होता। नहीं जाएंगे, पहले कहीं देखेंगे। अच्छा, घूमने जाने का बनाएंगे प्रोग्राम, कहीं ठीक है, देखते हैं, करते हैं वेट। तो गाइस सिर्फ शाम के बज रहे हैं 6 और कहीं भी जाना नहीं हुआ, क्योंकि शाम को मैं सो गई, शाम को भी मैं सो गई थी लंच वगैरह करके, तो अभी उठी हूँ। तो गाइस सिर्फ शाम के बज रहे हैं 6 और कहीं भी जाना नहीं हुआ, क्योंकि शाम को मैं सो गई, शाम को भी मैं सो गई थी लंच वगैरह करके, तो अभी उठी हूँ। यहाँ पर मैंने दूध बॉइल करने रख दिया है, यहाँ बर्तन पड़े हैं, फटाफट मैं धो लूँ, धो के फ्री हो जाते, फिर देखते हैं आपका क्या प्लान है, आपका क्या प्लान है भाई। डिनर बना करो, सो जाओ, थोड़ी सबसे बातचीत फिर, क्योंकि कल से फिर भी ऑफिस शुरू है, बोर हो गई, गाँव घूमने नहीं जा पा रही, देखते हैं कब तक चलेगा ऐसा, कब तक है चीज़ें, उसके बाद पता चलेगा। बस एक्साइटमेंट तो हूँ, चलो करते कुछ दिन मैनेज, फिर तो फ्री रहना, इंजॉय करना है 2-3 महीने आराम से। तो ये गाइस आज है मंडे, संडे को व्लॉग कंप्लीट किया नहीं, क्योंकि आज के वैसे भी कोई भी व्लॉग एक दिन में कंप्लीट हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं क्यों नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा, या तो टाइम नहीं मिल रहा या कुछ है नहीं शूट करने के लिए, समझ नहीं आ रहा। तो फिर आज था मंडे, अभी काम वाम से उठी थी मैं, अपने ऑफिस का काम शुरू ख़त्म करा था, सोचे तो कुछ खा लिया जाए, तो मैं लेकर आई थी इसमें मैगी, जिसमें सिर्फ गर्म पानी डाल के उसको बनाना होता है, वो वाली फटाफट निकाल कर बना देती हूँ, इंस्टेंट बन जाती है वो, खा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ, मैं दिखाऊँगी भी आपको, है ना। तो ये रही मैगी, ये है सिंपल वाली, नहीं मसाला फ्लेवर्ड है ये, और ये है मसाला चुपा नूडल्स। तो देखते मैं इसको बना के देखती हूँ कैसे बनते हैं ये देखो इसमें है मसाला, और ये मैगी उसी है, और ये वाली इसमें वेजेस भी हैं, स्पून भी है, ये देखो ये स्पून ऐसे ऐसे बन गया, ये स्पून, और इसमें है मटर वगैरह भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, गाजर है, जिससे पानी डालेंगे तो ये बन जाएगी वेजेस मैगी। दोनों मिला दो, दोनों का फ्लेवर अलग अलग है, दोनों ट्राई करके देखते हैं। इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए, ऐसे कपलटा ठीक है सर। देखो इस वाले में ना चम्मच निकला,
एक में हाँ, ये इसके साथ खाने के लिए होता है ना। हाँ, लेकिन एक में निकला, एक में नहीं निकला, इसमें निकला है बस, इसमें नहीं निकला। अच्छा, इसमें देखो वेजेस भी है, इसमें नहीं है वेज। चम्मच वाला अलग अलग फ्लेवर है। तो यहाँ बन चुकी है मैगी, ये देखो ये सिंपल वाली थी, ये वेज वाली। दोनों में से किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है? दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला मैगी वाला। मैं दोनों सही लगे अपने अपनी जगह। तो फिर मुझे जी वाला दे दो, जी वाला दे दो ना, दे दो प्लीज। चलो ठीक है गाइस, हम भी खा ले मैगी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं और मम्मी जा रहे हैं फिलहाल बाहर मार्केट घूमने, और यहाँ देखो एक बच्चा है हमारे घर में जो जिद कर रहा है कि मुझे भी जाना, मुझे छोड़ के जा रहा है। देखो देखो ये वो बच्चा, ये वो बच्चा, जाना है जाने बोलो। आपने तो बोला कि आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल नहीं तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं, जाकर देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। वैसे तो एक मेरा सूट था जो स्टिच के लिए डाला था, वही लेने जा रहे हैं। उसके बाद देखते मार्केट में क्या हो, जो भी हो वो दिखाएंगे। वैसे तो शॉपिंग का भी सोच लेके शॉपिंग भी शुरू कर देते हैं। देखो कितना प्लान सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता है वो तो वक्त ही बताएगा। काजू को रे ना, और बोर मुखे पता ना घुमा के ना गंदे रखे। तभी मैं अभी आ चुके बाहर से मार्केट गए थे थोड़ा सा घूमने, और जिस काम के लिए गए थे वो शॉप बंद थी, वो शॉप खुली ही नहीं थी। तो फिर अभी मैं मम्मी घर आ चुके हैं, बना रही मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, डिनर वगैरह करके फिर करेंगे रेस्ट अपना। ये देखो इंसान, ये देखो ये दलाने आए थे क्या मुझे, कोई काम है नहीं है अभी? मैं फ्री हूँ क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट जो है सभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं कंप्लीट। अच्छा, तो जब ऐसे चुपके चुपके से देखने आ रहे हैं। मेरी बीवी है, कपड़े का है ये कपड़े हैं, ऐसा लग छोटू के कपड़े ऐसे होते हैं अपने आप को ही छोटू। और क्या तुम्हारा तुम्हारा सीन सही है ना, अपने आप को छोटू बोलने लग पड़ते हैं। फिर मेरा क्या होगा, मैं हाइट में छोटू। खाना क्या है? खाना खाना है दाल मिक्स वाली और भी चपाती, बस बस बस। पेट में से भरा भरा सा लग रहा है, मैगी खा ली थी ज़्यादा हो गया है ना। चलो कोई थोड़ा लेट खा लेंगे, जल्दी सोना है यार अभी। चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ डिनर वगैरह जल्दी से, डिनर वगैरह बना के फिर फटाफट डिनर वगैरह करके मिलते हैं, फिर आपसे अगर हो सके तो थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रही है, बाहर बाहर से होता वो रेस्ट वेस्ट की वजह से हो रहा है, रेस्ट नहीं हो पा रहा ना प्रॉपर इस वजह से। चलो तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं डिनर वगैरह बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको डिनर के बाद, पॉसिबल होता है तो, वरना तो आजकल ऐसे चल रहा है दो दिन में एक व्लॉग बन पा रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर खुद ही। तो गाइस रात के बज चुके हैं 12, अभी मैंने जस्ट अपना भी अभी अजवाइन वाला वाटर ख़त्म किया, ये यहाँ पे पी रहे अपना दूध। क्या हो गया सर? दर्द हो रहा ज़्यादा? चलो कोई बात नहीं, सर दर्द हो रहा है तो फटाफट अपना दूध ख़त्म करो और रेस्ट करते हैं, ठीक है? हम भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।